आज महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है शीतकालीन सत्र में 10% आरक्षण सवर्णों के लिए। जिग्नेश जी, 10% आरक्षण सवर्णों के लिए, इस बिल पर कई दिनों से कई सालों से चर्चा हो रही थी कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। मुझको तो इस बात का आश्चर्य है कि मोदी जी जैसे महापुरुष हमारे प्रधानमंत्री बने, फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग रह गए। हम तो समझते थे उतना अच्छा दिन आ गया है, इतना जबरदस्त विकास होने वाला है, ना कोई पिछड़ा रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना मजदूर रहेगा, सबकी चांदी चांदी होने वाली थी। क्या हुआ उसका? ये सबसे पहले तो हमारे मुल्क की जनता को ये समझना है कि गुजरात मॉडल का जो ढिंढोरा पिटा गया था, सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया था, उसकी पोल खोल हमको कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण इस मुल्क के संविधान ने दिया है, उसमें यदि हस्तक्षेप नहीं होता है, उसके साथ यदि खिलवाड़ नहीं होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता है, तो किसी को भी आरक्षण मिले हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चुनाव को 4 महीना बाकी है, 19 को, और आपके और हमारे बीच में केवल 4 महीने का फासला रह गया है, तब मोदी जी का दिया गया इस मुल्क के सवर्णों को ये लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से 2 करोड़ रोजगार का लॉलीपॉप